तो हेलो गाइस, आज मैं अपनी ओला चला के आऊँ। मुझे इसमें एक बहुत ही कमाल का फीचर लगा। ये कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है, ये रात का ही टाइम है। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, 11:56 यानी कि अभी 12 बजने ही वाले हैं। हाँ, तो मैंने जैसा आपको बता रहा था कि मैं अपनी ओला चला के आया और इसमें मुझे एकदम कमाल का फीचर जो लगा, इसका जो इंडिकेटर है, जो हज़ार्ड लाइट बोल लो, इसकी क्वालिटी और इसमें जो आपको देखने को मिलता है कि बंद होने के बाद भी चालू जाती है, वो कैसे, शायद आप लोग में से बहुत लोग को पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं आपको इसका यूज़ बता दूंगा। और ये जो आप देख रहे हैं लाइट, ये DRL की ही लाइट है जो इतनी फ्लैश हो रही है। अगर ये DRL की लाइट बंद हो जाएगी तो देखना पूरा फ्लैश चले जाएगा और पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो इसकी DRL की लाइट कमाल की है। और अगर मैं इसका आपको हाई बीम और लो बीम भी चेक करा दूँ तो देख पा रहेंगे अब यहाँ पर पूरा फ्लैश भर चुकी है। कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा, यहाँ से आप समझ सकते होंगे। तो ये पूरा कैप्चर कर चुकी है, मतलब इसकी लाइट बहुत तेज़ है। इनको भी लगता है ओला की लाइट कैसी, तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा लाइट है। मैं दूसरा साइड से आपको व्यू दिखा देता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत ही ज़्यादा। तो लाइट के मामले में तो ठीक है। तो मुझे जो कमाल का फीचर लगा उसके बारे में आपको बात कर रहा, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। अगर आप इसका हज़ार इंडिकेटर को ऑन करते हो, जैसे कि मैंने गाड़ी में बैठा और मैंने इंडिकेटर ऑन किया, तो आपको पता है एक ही साइड का जलेगा और यहाँ से करेंगे तो दूसरे साइड का जलेगा। और अगर आप हज़ार ऑन करना चाहते हो तो इसको प्रेस करके रखना पड़ता है आपको लॉन्ग, तो आपका दोनों जलने लग जाता है और उसके बाद ये बिल्कुल भी साइलेंट हो जाती है और फिर आवाज़ नहीं करती है। जैसा कि कुछ ऐसा व्यू निकल के आता होगा। दिन में मैं ये वीडियो बना सकता था, बट दिन में बिल्कुल भी पता नहीं चलता, इस वजह से मैंने इसमें रात का टाइम चुना। तो कुछ ऐसा आवाज़ करता है, कुछ पता नहीं चलता। वेट करते हैं गाड़ी हमारी कब तक बंद होती है। देख सकते हैं हमारी ओला पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, बट हज़ार लाइट अभी भी जल रहा है। ये देखो, मैंने कोई DRL ऑफ नहीं किया, मैंने पूरी स्क्रीन ही मेरी ऑटोमेटिक बंद हुई आपके सामने। आवाज़ भी आप लोग उनमें से सुनी होगी। तो देख सकते हैं ये पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और अगर मैं इसका बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सिंपल सा पासवर्ड आएगा और अभी भी आप देख पा रहे लाइट जल ही रही है। और गाड़ी अगर ऑन रहती तो पासवर्ड नहीं आता, गाड़ी लॉक में ही आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, अब हमारी गाड़ी ओपन हुई है, फिर भी ये जलेगी। देखिए अब हम इसको बंद कर सकते हैं। और इफ हमारी गाड़ी बंद हो, सपोज़ मैं आपको फिर से इसको बंद करके दिखा देता हूँ। ये गाड़ी मैंने अपने हाथ से बंद की, चाहे ऑटोमेटिक बंद हो या अपने से बंद हो, उसके बाद भी इसमें ये जलते ही रहेगा। ये अब इसको आप बाहर से बंद नहीं कर सकते, चाहे आप इसमें इंडिकेटर ही क्यों ना दबा लो। होप कर तो आपको दिख रहा होगा, तो कुछ बंद नहीं होने वाला, मतलब कोई बाहर से भी इसको छेड़ नहीं सकता। तो इसका बंद करने का सिंपल सा तरीका, आपको वापस से अपनी गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इंडिकेटर एक बार प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। आपको कैसा लगा ये फीचर? ये बेसिकली उस लिए दिया गया, अगर आप अपनी गाड़ी कुछ ऐसे जगह पर पार्क कर दियो और आपको 5, 10, 15, 20 मिनट आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे के लिए जाना हो और वो जगह सेफ़ नहीं हो, या आपको बताना हो कि हम अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क किए, या ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो या कोई एक्सीडेंट होने का चांसेस हो, तो या आप उसको ऑन करके किनारे में खड़ी कर सकते हो, या तो आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई हो और इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम कर रहा हो, तो तभी आप ये सब फीचर इसका यूज़ कर सकते हो। तो यही फीचर था यूज़ करने के लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।